किसी भी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए मेहनत, ईमानदारी, लगन और दृढ़ निश्चय का होना बहुत जरूरी होता है। वक्त का दस्तूर कितना भी बदल जाए, लेकिन कुछ चीजें जो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती हैं, वे कभी नहीं बदलती। जैसे शास्त्रों में कही गई बातें आज भी मनुष्य के जीवन को वैसे ही प्रभावित करती है जैसे सदियों पहले करती थी। हर मनुष्य अपने जीवन में ऊंचाइयों को पाना चाहता है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें जाने अनजाने में करने पर हमें अपमान का सामना करना भी पड़ता है। ये बातें आज के जीवन पर भी वैसे ही पूरी तरह से लागू होती हैं। मनुष्य के लिए बुरी संगत उस कोयले की समान है, जो गर्म हो तो हाथ जला देते हैं और ठंडा हो तो हाथ काला कर देते हैं। आपको बस पहचानना होगा क्या आपका संगत बुरा है या अच्छा है। जब आप इसे समझ लेंगे तब आप इसका फैसला भी कर पाएंगे। अगर सफलता पाना है तो कभी भी बुरे वक्त और हालात पर रोना नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल भले ही दूर सही पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती है कि समंदर अभी कितना दूर है, बस वो चलती जाता है। अध्यापक और जिंदगी में बस इतना ही फर्क है, अध्यापक सबक सिखाकर इम्तिहान लेता है, जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक सिखाती है। जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हमें गलतियों को माफ करने का या फिर सुधारने का एक मौका मिलता जरूर है, पर जिंदगी में अगर कुछ हमें गलती कर दे उसको हम बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि समय आप बदल नहीं सकते। भीड़ के साथ चलना आसान होता है, क्योंकि भीड़ व्यक्ति को हौसला देती है, लेकिन ये भी एक कटु सत्य है कि भीड़ आपसे आपकी पहचान छीन लेती है। सबके साथ आप चलेंगे, आप अपने लाइफ में वही काम कर रहे हैं जो आपके आस पड़ोस के लोग कर रहे हैं, तो आप उस भीड़ में खो जाएंगे। पर अगर आप वहाँ से उठ के कुछ हटके करें, कुछ अलग करें, तो लोग आपको पहचानेंगे। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। आप अगर डर गए तो आप मर गए। अगर जिंदगी में कुछ पाना है, कुछ करना है, कुछ हासिल करना है, तो आपको लड़ना होगा, वरना आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है, सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए होता है, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। आप सोते सोते कुछ सोचेंगे कि हम करेंगे, वैसे इस लॉकडाउन में तो और कुछ करने का है ही नहीं, पर यहाँ पर भी आपको अपना रास्ता खुद चुनना होगा, मेहनत आपको करना होगा, क्योंकि फ्यूचर आपका है।